Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So, इस particular video में हम लोग सीखने वाले हैं, समझ लीजिए अभी sound का travelling जो होती है, sound travel करती है, इस चीज़ के बारे में तो हमें पता ही है. अब sound के travel करने की वजह से क्या-क्या फ़ायदा या फिर क्या-क्या applications हम लोग use कर सकते हैं, उन applications के बारे में discuss करने के लिए ये video मैंने बनाया है. So, my dear children, it's like applications of sound. सबसे पहला, okay, we are going to learn about applications of sound travel. सबसे पहला application जो होती है उसको हम बुलाते हैं echo. Echo के बारे में अगर बात करें तो echo के बारे में basic level तो आप तो जानते ही हैं कि भाई हम अगर एक point से मान लीजिए ये point से हम sound भेज रहे हैं, okay? So what happens, यहाँ पर अगर एक wall होगा तो ये sound यहाँ पर आएगा, टकराएगा, टकरा के फिर वापस return आएगा, okay? So जाएगा and return भी आएगा. So जहाँ से वो निकला, टकरा के अगर वापस उसी point पर सुनाई देगा तो उस factor को, उस phenomena को we call it as echo, okay? अब echo का फायदा क्या होता है? Echo सुनने की वजह से we can easily measure the distance between this क्या बोलते हैं उसको, speaker and the wall. अगर दो माउंटेन्स की बात करें तो दो माउंटेन्स के बीच का डिस्टेंस पता करना रहे तो एक माउंटेन के इसमें से चिल्लाओ, चिल्लाते वक्त टाइम रिकॉर्ड करो, एको सुनते वक्त टाइम रिकॉर्ड करो, तो टाइम डिफरेंस में से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा जाके आने में. टाइम पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वो तो आपको पता ही है पहले से. ये दोनों चीज़ें अगर पता होगा तो टाइम और वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है डी तो टोटल डिस्टेंस डी आगे की तरफ गया, डी पीछे की तरफ गया. सो आई नो दैट डिस्टेंस is equal to velocity upon time. Total distance traveled will be 2d. Velocity of sound is v upon time t. So, distance between the speaker and the wall or maybe two mountains will be v upon 2t. T आप वॉच में से मेजर कर सकते हो, v तो आपको पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ एको, ओके. The second application, अभी आप पूछोगे तो सर जी ये एको का एप्लीकेशन क्या है? सी बहुत सारे एप्लीकेशन है एक्चुअली. हमारे बैट्स जो फ्लाई करते हैं ना एको के प्रिंसिपल से फ्लाई करते हैं, यू मैट हैव हर्ड कि बैट्स कैन नॉट सी. सो बैट्स क्या करते हैं, जब उड़ते हैं तो अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसीज छोड़ते हैं. ये साउंड फ्रीक्वेंसीज आगे जाके, आगे कोई ऑब्स्टिकल है तो टकरा के वापस उनको सुनाई देती है, तब उनको पता चलता है कि आगे एक ऑब्स्टिकल है, दे हैव टू टर्न अराउंड. तो वो लोग सीधा फ्लाई नहीं करते हैं, टर्न करते हैं. सो एवरी टाइम दे एमिट द साउंड एंड देन दे डिटेक्ट वेदर एनी ऑब्स्टिकल इज इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर to hit any obstacle or not, okay. This is one application. Second application, dolphins भी ये चीज़ करती है. सामने अगर कोई है, बड़ा चीज़ है, नहीं है, ये चीज़ पता करने के लिए वो लोग भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजते हैं, जिसमें से उनको भी पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं. देन सोनार, सोनार इज अ टेक्नोलॉजी जो यूज किया जाता है, सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे यूज किया जाता है. एक्चुअली जो शिप्स ट्रैवल करते हैं, ये शिप्स नीचे की तरफ अपने बेस में से ना नीचे की तरफ ये अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं. नीचे जहां तक पानी है वहां तक ये साउंड वेव ट्रैवल करती है. जहां पर वो सर्फेस आ जाता है, मतलब बेस आ जाता है सी का, वहां पर टकरा के ये साउंड वेव वापस आती है शिप की तरफ, रिसीव करती है. वैन तो जहाँ के टकरा के जब वापस आती है तो शिप बेसिकली टाइम रिकॉर्ड करती है, वेलोसिटी का वैल्यू उसको पता होता है, डिवाइड करने के बाद उसको पता चल जाता है कि भाई कितना डेप्थ है नीचे. तो अगर कोई सी डेप्थ अगर कम होते जा रही है तो शिप विल अंडरस्टैंड, ओके फाइन, नाउ इट्स टाइम टू स्लो डाउन बिकॉज द डेप्थ इज मे बी रिड्यूसिंग. डेप्थ रिड्यूस हो रही है मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नीचे, कुछ ग्लेशियर हो सकता है या आइसबर्ग हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, है कि नहीं. सो कुछ ना कुछ तो चीज अप्रोच हो रही है, ये चीज समझ में आता है शिप्स को. ये चीज सिर्फ नीचे नहीं, साइड की तरफ भी वो यूज कर सकती है, ओके. एंड इवन अपना ओडवी से सबमरीन्स उनके आजू बाजू में कोई चीज़ है नहीं है, इस चीज़ का प्रेजेंस पता करने के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल करती है, सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है. द टेक्नोलॉजी इज नेम इज कॉल्ड एज सोनार, ओके, SONAR. एनीवे, सो एको का एप्लीकेशंस, मैं एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एको. द सेकेंड एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू लर्न इज रिवर्बरेशन. इसमें एक ई भी आएगा, रिवर्बरेशन. नाउ ये रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है? सी कभी कभी क्या होता है, ये सोर्स ऑफ साउंड में से, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ साउंड है जिसमें से साउंड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ये वॉल पे टकरा के
साउंड वापस भी आ रही है, एंड जब वो वापस आ रही थी तो जाने वाला भी जा रही थी, तो नए साउंड वेव्स जा रहे थे, ये दोनों आपस में जब टकराएंगे सॉरी जी ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो बेसिकली वो टकराने की वजह से डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, एंड फिर क्या होगा, ये टकरा के फिर वापस जाएगा, ये ओरिजिनल भी वापस जाएगा, देन वापस आएगा, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एक साउंड अगर मैंने आ करके साउंड भेजा तो आ का एको और आ दोनों आपस में जब टकराएगा, तो अगर नहीं टकराता तो क्या होता था, ये आ लगता था, सारे के सारे आ एक लगते थे और सारे के सारे वापस आ जाते थे बिना टकराए, मुझे एक ही बार जितने लंबाई में मैंने आ बोला था वो एक ही राउंड मुझे सुनाई देता था, लेकिन रिवर्बरेंस में क्या होता है, जाके टकराएगा वापस आएगा, नया वाला आ और पुराना वाला आ जब आपस में टकराएगा तो वहां पर और वापस में जाएगा, तो इधर भी आएगा तो टकरा के इधर से भी मुझे एक आ सुनाई देगा, एंड इधर से टकरा के वापस उधर जाएगा, वापस जाके वापस टकरा के आएगा, तो बेसिकली एको एक बार सुनने की जगह पे मल्टीपल टाइम्स में सुनाएगा, तो इट्स लाइक आ जब मैं बोलूंगा मुझे आ आ आ आ करके ऐसे सुनाई देगा मुझे, सो ये काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो सुनाई देती है इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, तो ये रिवर्बरेशन कहीं पर भी हो सकती है, सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ यू नो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग है कि नहीं, तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है एंड मल्टीपल टाइम सुनाई देते हैं एंड यू नो पीरियोडिसिटी भी उसका चल जाता है चला जाता है, इट्स लाइक पीरियोडिक नहीं होता मतलब वो टाइम फैक्टर प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, ये सारी चीज़ों की वजह से वी से दैट रिवर्बरेशन इज काइंड ऑफ यू नो डिस्टर्बेंस, तो रिवर्बरेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखते हैं वेन एवर वी मेक एनी बिल्डिंग विच इज बेस्ड ऑन द साउंड रिफ्लेक्शन, जैसे कि थिएटर्स, हो सके तो यू नो एकोस्टिक यू नो स्टूडियोज ओके जो जहाँ पर साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो लोग जब वैसे स्टूडियोज या फिर थिएटर्स या फिर एनी काइंड ऑफ हॉल्स वगैरह जब बनाते हैं तो दे मेक श्योर कि रिवर्बरेशन जितना हो सके अवॉइड होना चाहिए, तो इसके ऊपर कैलकुलेशंस करके ही उसके डायमेंशंस बनाए जाते हैं, उसके मटेरियल्स इकट्ठा किए जाते हैं, मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना ये कैलकुलेशन के बेसिस पे होती है इन ऑर्डर टू अवॉइड रिवर्बरेशन, एंड जो साइंस स्टडी करती है साउंड के ऊपर उसको बोलते हैं एकोस्टिक, एकोस्टिक इज द ब्रांच विच स्टडीज ऑन साउंड एंड मेक श्योर ऑफ मतलब सी वो ऐसे मेक श्योर करती है कि भाई साउंड, अभी हम साउंड सुनते हैं ठीक है साउंड सुन लिया नॉर्मल रहते हैं, बट ये साउंड सुन के अगर अच्छा लगेगा यार क्या साउंड सुना हम क्या आवाज सुने हम, तो ये वाला फील अगर आना है तो उसके लिए सर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यूज किए जाते हैं, सर्टन एम्पलीट्यूड में यूज किया जाता है, लाउडनेस को सर्टन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि म्यूजिक हम जब सुनते हैं, गिटार की आवाज जब सुनते हैं, पियानो की आवाज जब सुनते हैं, तो ये सब सुन के वी फील रिलैक्स्ड यार, इट्स वेरी रिलैक्स्ड, सो क्यों, क्योंकि गिटार में से ऐसे फ्रीक्वेंसी में आवाजें निकलती है, एक पर्टिकुलर लाउडनेस मेंटेन रहती है जो हम सुन के काफी सूद हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, सो द साइंस विच इज डीलिंग विद दिस फैक्टर कि भाई कितने फ्रीक्वेंसी से आवाज निकलना चाहिए गिटार से, कितने लाउडनेस से आवाज निकलना चाहिए गिटार से, दिस साइंस इज कॉल्ड एज एकूस्टिक, सो एकूस्टिक इज दैट पर्टिकुलर साइंस विच इज डीलिंग विद द साउंड एंड द कंफर्ट जोन ऑफ आर ईयर्स, ओके, तो एकुस्टिक फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान में रखने के बाद ही हम थिएटर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, स्टूडियोज वगैरह डिजाइन करते हैं, आई होप थिंग्स आर क्लियर, ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ साउंड ही सीखे हैं, आई थिंक इट्स प्रिटी क्लियर फॉर यू गाइज, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट, सो या मैंने जो बोला वो चीजें भी नोट डाउन कर लेना, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।